एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरुक रसोई में आप लोग का स्वागत है। सॉरी दोस्तों, आज पोस्ट करने में देरी हो गई, थोड़ी सी फीवर हो गई थी, तो ये आधा किलो मटर ले ली हूँ, उसको अच्छे से छील ली हूँ। तो छील कर उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। और ये हरे वाले लहसुन चाल ली हूँ, उसको बारीक से जैसे रफली ऐसे चॉप कर लेंगे, क्योंकि ग्राइंडर में ही डालना है, तो वैसे ही वो उसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। किसी तरह उसको चॉप करके ग्राइंडर में डालना है। तो पहले जो मटर है वो डाल दिया गया है। और ये मैंने मॉर्निंग में चने को भिगोई हुई थी, या दो बड़े चम्मच के हिसाब से चना ले लेंगे भिगाया हुआ, तो वो अच्छे से फूल चुका है। तो मटर वाले मिक्सर में जो मटर हम डाले हैं 200 ग्राम के आसपास, उसी में इसको डाल देंगे। और फिर जो मैं हरा वाला लहसुन जो रफली ऐसे चॉप की थी, उसको भी उसी में डाल देंगे। अब इसको ग्राइंड कर देंगे। अब इसमें कुछ डालना नहीं है, ये ग्राइंड हो चुका है। और देखिए, प्लस मोड में करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रहना चाहिए। और इसको खाली कर दिया जा रहा है। आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो बिना वीडियो पोस्ट किए आप लोगों से बातें की अच्छा ही नहीं लगता है। तो सोची कि आज तो मेरी फैमिली वेट कर रही होगी, मेरी वीडियो एक भी नहीं गई। मेरी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तो इसी वजह से मैंने नहीं किया। और इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, थोड़ा सा तेल गरम हो रहा है तब तक। और इधर मैं जो मटर ग्राइंड किया गया है, उसमें जितने मिक्सर है उसको डाल दूँगी। ये बेसन में डाल रही हूँ, दो टेबल बड़े टेबल स्पून के बराबर। और ये लाल मिर्च पाउडर है, इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और ये जीरा पाउडर है, अगर आप लोग चाहें जब ग्राइंडर में किया जाता है तभी साबुत जीरा डाल सकते हैं, बट मेरे पास पाउडर था तो मैंने डाल दिया। ये छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, नमक भी स्वाद अनुसार डाल देंगे, कम ज़्यादा जिस तरह आप लोग को पसंद है उस तरह आप लोग डाल लीजिएगा। तो इसी तरह और बताइए, आप लोग का नया साल कैसा जा रहा है, और क्या आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग आज। देखिए, इसी तरह मटर को मिक्स कर देंगे, अच्छे से फेंट लेंगे, सारे जितने सामान डाले गए हैं अच्छे से एक एक दाने में चले जाए। और इधर तेल भी गर्म हो चुका है, तो ऐसे में टिकिया बना बना के डाल दूंगी। देखिए कैसे तीन फिंगर के साइज के हिसाब से इसको डाल देते एक एक करके। ये मटर का बड़ा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, विंटर में यही सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी और बहुत ही सरल तरीके से लेकर आऊँगी। देखिए, एक एक करके सारे जितने मटर के बड़े हैं उसको ऐसे टिक्की बना बना के डाल दी हूँ, और इतना टेस्टी ये लगता है मैं क्या बताऊँ। मैंने बेसन इसीलिए डाला, थोड़ी सी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, बिना बेसन की बाइंडिंग नहीं होगी, उस तरह वो फुट फुट जाएगा। तो इस तरह इसको उलट पलट लेंगे, एक तरफ से सिक चुका है तो दूसरी तरफ कर देंगे। जितना आपका मटर का पेस्ट है, जितना बड़ा बनाना है उसके हिसाब से ऑयल ले लिए हैं, कि इतने ऑयल में मेरा ये जो है मटर का बड़ा रेडी हो जाए। और बताइए, आज आप लोग का दिन कैसा जा रहा है। जब तक मटर के बड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं साइड में सब्जी भी काट लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से और इवनिंग में इतना छोटा दिन हो रहा है कि कुछ काम ऐसे होते हैं उसको काट के रख लेते हैं। तो मैं सोची अभी जब तक वो हो रहा है तब तक मैं सब्जी भी काट लेती हूँ शाम के लिए, तो ये सब रेडी कर दूंगी। मैं आज सब्जी में बनाने वाली हूँ आलू, बैंगन, अदौरी और एक टमाटर ले ली हूँ, इन सारी चीज़ों को। और इधर मेरा अच्छे से जो मटर का बड़ा है रेडी हो चुका है, देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। आइए आप लोग खाइए, इंजॉय करिए, और अच्छे से अपनी फैमिली को खिलाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जब आप किसी भी खाने को मन से खाते हैं या खुश होकर खाते हैं, वो आपके शरीर में ज़रूर लगेगा और फ़ायदा भी करेगा। अगर अनहेल्दी फूड खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेंगे, बट ये सारी चीज़ें जो घर के बने होते हैं ये कभी भी आपके शरीर को नुकसान नहीं करते हैं। तो इसीलिए नए नए रेसिपी लेकर मैं आती हूँ, और आरू की रसोई में ऐसे ही बने रहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं जानती हूँ मेरी फैमिली मुझे कभी निराश नहीं करेगी, मुझे आगे ही बढ़ाएगी,
क्योंकि अभी बहुत स्ट्रगल में कर रही हूँ, मैं उसको बयां नहीं कर सकती इस छोटी सी वीडियो में, क्योंकि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहते ही हैं। तो इधर मैं प्लेटिंग कर दी हूँ, तो देखिए अभी मेरा बड़ा वाला बेटा, उसको बहुत पसंद है ये वाला, तो इसका मटर का जो इसका बड़ा होता है बहुत ही चाव से खाता है। अभी वो जान रहा है कि मम्मा बना रही है, तो बाहर से अभी बोल भी रहा था कि मम्मा इसकी स्मेल बहुत अच्छी लग रही है, तुमने क्या क्या डाला है। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, बस जैसे नॉर्मली बेसिक सामान घर पे होते हैं इस समय सीजन में जो मिल रहा है वही सारी चीज़ें मैं डाल दी हूँ। इधर मैंने प्लेटिंग कर दी हूँ और ये थोड़ा सा सॉस ले ली हूँ, अच्छे से इसके साथ खाइए या धनिया चटनी के साथ खाइए, नारियल के चटनी के साथ, चाहे जिस तरह आप लोगों को पसंद हो उस तरह खाइए। और इधर देखिए मम्मा मुझे दे दो, अभी वो कुक हो रहा था, गर्म था, तुमको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो, और तो कहे चलो मैं ही खिला देती हूँ, बताओ कैसा है। तो कहा बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चों जब खुश हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और उनके पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी मैं उसको प्लेटिंग में दूसरे प्लेट में दे दी हूँ। और इधर इनके पापा आए थे तो कह रहे हैं कि मुझे दे दो, तो हम कहे ये वाला आप ले लीजिए, मैं इसको दूसरे प्लेट में दे देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।